यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और फिर शामली में जनसभाओं को संबोधित किया, रंगदारी फिरौती, और उन्होंने ये कहा है कि यूपी नहीं है किसी की बपौती। आइए सुनते हैं क्या क्या कहना था उनका। मुकेश चौधरी जी, पूर्व सांसद और कार्यक्रम के संयोजक, आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं, कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने